अक्षय कुमार की एक और फिल्म आ रही है जिसका बजट 300 करोड़ का है, मतलब पृथ्वीराज के बाद ये एक बड़े बजट वाली फिल्म है और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली है। फिल्म का नाम है बड़े मियां छोटे मियां। इस फिल्म का जब टीजर और पोस्टर लॉन्च किया गया था उसके कुछ दिन बाद कहानी ये आई कि ये फिल्म अब नहीं बनेगी, प्रोड्यूसर ने हाथ खींच लिए, लेकिन फिल्म की कहानी फिर से बन रही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब लोगों की जेब में पैसे आ गए हैं फिल्म वालों के, ऐसा कहा जा रहा है। तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में है। फिल्म का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ है। एक अमिताभ बच्चन और गोविंदा वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ हमने देखी थी, काफी लाजवाब फिल्म थी, बढ़िया फिल्म थी, जमकर मजा आया था। लेकिन ये फिल्म कॉमेडी का कितना तड़का होगा वो पता नहीं, लेकिन एक्शन थ्रिलर रोमांस वगैरह सब कुछ इसमें डाला गया है, सब जोड़ तोड़ करके। अली अब्बास जफर जो है वो इस फिल्म को बना रहे हैं, उनके डायरेक्शन में ये फिल्म बन रही है। कहानी यह है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में जो स्टंट कर रहे थे वो स्टंट ये खुद ही कर रहे थे और स्टंट करने के चक्कर में इनके साथ हादसा हो गया, ये घायल हो गए, इनके पैरों में चोट लग गई है। अब ये है कि चोट लगी है तो जो लॉन्ग शॉट है जिसमें अक्षय कुमार पूरी तरह से दिख सकते हैं वो फिल्माया नहीं जाएगा, जो क्लोजअप शॉट है उसी का फिल्मांकन किया जा रहा है, उसी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये फिल्म 4-5 देशों में शूट की जा रही है और अक्षय कुमार जैसा कि 30-35 दिनों में फिल्मों को शूट करके फ्री हो जाते हैं इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये फिल्म को शूट करने में पूरे के पूरे 100 दिन लगने वाले हैं। तो अक्षय कुमार इस बार काफ़ी मेहनत करें, काफ़ी समय दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये फिल्म चलेगी, क्योंकि नहीं चलेगी यार, मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही है लाइन से, लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, 10वीं फ्लॉप भी हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो बॉलीवुड में तो सारी फिल्में फ्लॉप ही चल रही है। पठान को बहुत सारे पैसे देकर जमकर प्रमोशन किया गया और टिकट्स खरीदे गए, सब कुछ कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, वो तो उनका दिल ही जानता होगा कि पठान ने कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। इतना मैं मान के चलता हूँ कि 150-200 करोड़ रुपए की पठान ने कमाई की है, इससे ज़्यादा कमाई पठान की नहीं हुई है। और जो 1000 करोड़ बता रहे हैं ये तो बहुत बड़ा झूठ है, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो इतना तो सभी को पता है कि शाहरुख खान जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, वरना DDLJ यार 28 सालों से एक ही सिनेमा घर में चल रही है, जो 10 रुपये जिसके टिकट्स थे वहाँ कौन जाते होंगे, वही छोकरा छोकरी जाते होंगे, वो मीम देखकर आपने छोड़ी पटाने आता है वही वाले होंगे, अपना टाइम पास करने जाते होंगे। फिल्म कौन देख रहा है, जो फिल्म यूट्यूब पर है TV पर आए दिन आते रहती वो सिनेमा घर में जाकर कौन देखेगा, किसे इतना पागलपन सवार है, कौन इतना फ्री वाला है, कौन किसे अपने टाइम की कदर नहीं है, वो जाकर DDLJ देखता ही रहेगा, 10 रुपये का टिकट मिलता है, जाकर बैठो देखो, बाकी पैसे शाहरुख खान दे ही देंगे सिनेमाघर वालों को, यही कहानी है मिला जुला कर, बाकी कुछ नहीं है। तो बॉलीवुड में सब चलता है, अक्षय कुमार घायल हो चुके हैं, फिलहाल के लिए यही खबर है।